रांची में सबसे पहले दुर्गा पूजा कलश स्थापना रातू किले में हुआ था। आज से करीब 2000 साल से पूर्व यह परंपरा चली आ रही है। नागवंशी राजाओं की परंपरा आज भी विद्यमान है। छोटा नागपुर के नागवंशी राजघराने की महत्वपूर्ण निशानी रातू महाराज के किले को सजाया सवारा जा रहा है। पूरी धार्मिक आस्था और धूमधाम से सप्तमी के दिन रातू किले में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है और एक स्तंभ भी गाड़ा जाता है ताकि दूर से लोग यह समझ जाए कि किले में मां विराज हो चुकी हैं। बंगाली और पूरी संस्कृत प्रतिष्ठा के साथ किले में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। अष्टमी के दिन द्वार खोल दिए जाते हैं ताकि दूर दराज से आने वाले लोग माँ के दर्शन कर सकें। अष्टमी का पूजा होने के बाद में हम लोग शाम को दुर्गा माँ का विसर्जन कर देते हैं। यहाँ जिस दिन पैरवा होता है उस दिन एक स्तंभ हम लोग कलश स्थापन के प्रतीक के रूप में उसको लगाते हैं। आज से 2000 साल पहले सूती आंबे गढ़ में महाराजा फनी मुकुट राय द्वारा नागवंशी राज की स्थापना की गई थी। उसके बाद छोटा नागपुर के कई क्षेत्रों जैसे चुटिया पालकोट जैसे अलग अलग इलाकों में नागवंशियों ने अपनी राजधानी स्थापित की। अंततः सर 1900 के आसपास राजू के इसी स्थान पर किले का निर्माण शुरू हुआ और 1933 में रातों का यह किला बनकर तैयार हुआ। महाराजा चिंतामणि नाथ शाहदेव के साथ ही नागवंशी शासन सत्ता समाप्त हो गई। उनके बेटे विधायक गोपाल चरण नाथ शाहदेव इस तरह के अंतिम राजा पुत्र थे। पर जब से यहाँ किला बना तब से लेकर के अब तक दुर्गा पूजा विधिवत होते आ रहा है। करीब 125 साल का ये इतिहास रहा है। यहाँ दुर्गा पूजा तब से लेकर के अभी तक होते आ रहा है। कैसे? यहाँ सर बांग्ला मत से पूजा होती है। बंगाल से लोग आते हैं, पुजारी जो पुरोहित आते हैं बंगाल से आते हैं। भारत में राजा महाराजाओं की ऐश्वर्य और सांसद सत्ता की कहानी आम है। राजू महाराज इस भूभाग के अंतिम राजा थे, इसलिए उनकी यह निशानी छोटा नागपुर क्षेत्र के निवासियों के लिए इतिहास का दर्जा रखती है। दुर्गा पूजा के अवसर पर एक भीड़ उमड़ती है जो किले का भ्रमण करती है। कैमरामैन रिंकू के साथ न्यूज 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।